हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अलग अलग दिनों और पर्व त्योहारों में इनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इन सभी देवताओं में त्रिदेव का एक खास स्थान है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसमें से ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है, वहीं भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार और भगवान भोलेनाथ को इस संसार का संहारक माना जाता है। इसमें से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो बहुत जगह हैं और इनकी पूजा अर्चना भी कई जगहों पर की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है। केवल पुष्कर को छोड़कर ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना भी बहुत कम ही लोग करते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इस संसार को बनाने वाले का ही कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात से अवगत कराएंगे जिसका कि वर्णन पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया। यज्ञ करने के लिए उन्हें एक उचित जगह की तलाश थी। इसके लिए उन्होंने अपने हाथ से अपने एक कमल को पृथ्वी लोक पर गिरा दिया। वह कमल जिस जगह पर गिरा उसी जगह को उन्होंने यज्ञ करने के लिए चुना। इस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी का होना उनके साथ बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री उस समय उनके पास नहीं थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने वहीं पर एक ग्वाले की बेटी जिसका की नाम गायत्री था उससे विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। मान्यताओं के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी। उन्हें वेदों और यज्ञों का पूर्ण ज्ञान था। उनकी इसी काबिलियत की वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञ के लिए अपनी पत्नी के रूप में चुना। यज्ञ प्रारंभ होने के थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी उस जगह पर पहुंची। वहां पर यज्ञ में अपनी जगह किसी और औरत को देखकर वे गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को तत्काल ही श्राप दे दिया कि जिस जगत को तुमने बनाने के लिए मेरा तिरस्कार किया और मेरी जगह पर किसी और को बिठा दिया, उसी तरह इस पूरे जगत में भी तुम्हारा तिरस्कार होगा और कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। सावित्री देवी के इस रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे। उन्हें लगा अगर इस जगत के रचयिता की ही पूजा नहीं होगी तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने मिलकर सावित्री देवी से विनती की कि कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। देवताओं और ब्रह्मा जी के बार बार मनाने के बाद जब थोड़ी देर बाद सावित्री देवी का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। यदि कोई दूसरी जगह आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। कहते हैं इसी डर की वजह से कोई भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाता, ना ही उनकी पूजा करता है, केवल पुष्कर को छोड़कर। इसके अलावे कुछ और भी कारण कहानियों, किंवदंतियों और लोकोक्तियों में बताए गए हैं जिसके अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ बैठकर ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में विचार कर रहे थे। भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए भेजा। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी लौट कर आए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में भगवान भोलेनाथ को बताया। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ असत्य वचन कहे। भगवान भोलेनाथ ने तत्काल ही ब्रह्मा जी के इस झूठ को पकड़ लिया। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के इसी झूठ की वजह से आज भी उनकी पूजा नहीं होती, ना ही कोई उनका मंदिर ही बनाता है। इसके अलावा एक और कारण है जिसका कि वर्णन पुराणों में भी मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी की काया अत्यंत ही कांतिमय और मनमोहक थी। उनके इसी रूप को देखकर स्वर्ग की एक अप्सरा मोहिनी उन पर मोहित हो उठी और उन्हीं के जैसा पुत्र पाने की चाह में उनके पास चली गई। ब्रह्मा जी उस समय समाधि में लीन थे, वह ब्रह्मा जी के पास ही जाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी समाधि से जागे तो उन्होंने मोहिनी को अपने पास बैठे देखा। उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से पूछा, हे देवी, आप स्वर्ग का त्याग करके मेरे पास क्यों आई हैं? मोहिनी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति मोहित हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के ऐसे वचन सुनकर घबरा उठे।
उन्होंने उसे काम भावना से दूर करने के लिए नीति का ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मोहिनी किसी भी प्रकार से नहीं मान रही है, तो वह उसके मोहपास से बचने के लिए भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? सप्त ऋषियों के अचानक आगमन और उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने बोला, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, इसीलिए विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया और मुस्कुराकर वहां से चले गए। सप्त ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत क्रोध आया। मोहिनी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपसे काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। अपने मन पर संयम होने का आपको बहुत घमंड है, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, उसी प्रकार यह पूरा संसार आपको भी ठुकरा देगा और कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा और ना ही कोई आपका मंदिर ही बनाएगा। कहते हैं मोहिनी के इसी श्राप की वजह से भी ब्रह्मा जी की कहीं कोई पूजा नहीं करता, ना ही कहीं पर उनका मंदिर ही पाया जाता है।